मेरे लिए भी, क्योंकि पिछला वो एशिया कप मैंने मिस किया था एज अ प्लेयर। और उम्मीद है कि जो तैयारी हुई है इस साल पूरी टीम की, हमने कहा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट काफ़ी अच्छी के लिए ओवरऑल, फिर उसके दरमियान गैप आया था, बट लड़के जो थे बिज़ी रहे अपने क्रिकेट में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में। फिर हम जब वनडे खेले तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एज अ टीम, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हुई है। और होपफुल हैं कि जो एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेल के इंशाल्लाह ये एशिया कप जीतेंगे। देखिए एज अ टीम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि देखिए क्रिकेट जाहिर सी बात है 11 लड़कों की गेम है, टीम गेम है, और सारे लड़कों ने परफॉर्मेंस किए थ्रू आउट अपने अपने जगह में। तो एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि जाहिर सी बात है सपोर्ट करने वाले लड़के हैं, फैमिली से ज़्यादा टाइम हम टीम के साथ गुजारते, क्योंकि हमारे लिए एक फैमिली है। सो एक दूसरे के लिए हम खेलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि यार जो भी करे दिल से करे और टीम के लिए करे, क्योंकि जो पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितनी खुशी हम अपने मुल्क को दे सकते हैं उतनी दे। बिल्कुल आसान नहीं है, देखिए फ्लैट विकेटों से ज़्यादातर स्पिनर्स को सपोर्ट होता है, बट जो अच्छी बात यह है कि क्योंकि टेस्ट मैचेस हम श्रीलंका में खेलते हुए आ रहे हैं, फिर हमारे हाफ टीम वालों ने तो LPL जो श्रीलंका लीग है वो खेली है, फिर हमारे अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ हुए। तो मेरे ख्याल से जितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए एक टीम को वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। लेकिन वनडे क्रिकेट की ये खूबसूरती है, दोनों बॉल है आपके पास, और मुश्किल होता है एज़ अ बॉलर आपके लिए थोड़ा सा, चार फील्डर ही बाहर होते हैं, बट आई थिंक प्रिपरेशन एज अ टीम हमारी फुल है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि एज अ टीम परफॉर्मेंस करें। आपने पूरे सिर्फ 11 को नहीं देखने होते, जो बाहर वाले बैठे वो आपके मेरे ख्याल से मेन प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो हमारी टीम की अच्छी बात यह है कि जो बाहर वाले भी बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमें चांस मिलेगा तो हम पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस करेंगे, और जैसे उन्होंने प्रूव किया माशाल्लाह। अब जाहिर सी बात है हमारे दो मेन बॉलर्स रेस्ट कर रहे थे, बट जो जिसको भी मौका मिला उन्होंने प्रूव किया कि हम इस टीम का हिस्सा है। और आई थिंक जो भी लड़का खेलता है, मैंने जैसे कहा कि फैमिली है, और कोशिश करते हैं कि हम एज अ टीम गेम खेलें, एज अ टीम जीते। तो मेरे ख्याल से जो बाहर वाले हैं उनको भी उतनी ही अगर सपोर्ट और वो मिलती है ना, तो वो पाकिस्तान टीम के लिए वैसे ही परफॉर्मेंस करते। वनडे क्रिकेट की बात करें तो जिस टाइम हारिस रूफ का रोल है वो बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि बॉल इतना स्विंग नहीं कर रहा होता, पुरानी बॉल पे आपने ज़्यादा कंटेन करने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन उस टाइम उसने काफ़ी ब्रेक थ्रू दिया टीम के लिए, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी। और जब से आई थिंक हारिस रूफ पाकिस्तान टीम में है सबसे ज़्यादा आउट है, और वो एक लड़का है कि हमेशा कहता है कि यार मैं फील्डिंग में बॉलिंग में अपने बेस्ट दे सकूँ टीम के लिए। मैंने उसका हर टाइम देखा है हारिस का, क्योंकि हम मैं और वो 2018 से साथ खेल रहे, हम लाहौर कलंदर के लिए भी खेलते, पाकिस्तान टीम के लिए। आई थिंक हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि जिस टाइम मुझसे कोई गलती होती है तो वो उसके पास वो है कि हर टाइम मुझे कह सकता है और मैं उसको कह सकता हूँ। आई थिंक यही टीम गेम होता है और इसी से हम चल रहे हैं। नसीम नया जैसे आया उसने परफॉर्मेंसेस दी, आई थिंक वो सारी चीज़ें डिज़र्व करता है, और उसकी अच्छी बात यह है कि वो जल्दी चीज़ें सीख लेता है और क्लेवर है, स्मार्ट है दिमाग से।